शादी करना और एक दूसरे के साथ रहना पूरी तरह से एक अलग गेंद का खेल है। आज हम आपको उन बॉलीवुड हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 3 या उससे अधिक बार शादी की। कृपया नजर डालिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है किशोर कुमार का। फिल्म उद्योग के पसंदीदा होने के नाते किशोर कुमार को किशोर दा के रूप में संदर्भित किया गया। उन्होंने 4 बार शादी की। प्रसिद्ध गायक ने 1950 में रूमा गुहा ठाकुरता से शादी की। उनकी शादी 8 साल तक चली, जिसके बाद किशोर दा ने सिल्वर स्क्रीन ब्यूटी मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। यह यूनियन 9 साल बाद मधुबाला के दुखद निधन के बाद समाप्त हुई। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी अभी तक एक बॉलीवुड अभिनेत्री योगिता बाली है। उनकी शादी 2 साल के छोटे समय तक चली। 1980 में किशोर दा ने फिर से एक और युवा बॉलीवुड अभिनेत्री लीना चंद्रावकर से प्यार हो गया। किशोर दा के निधन के बाद उनके संत का अंत हुआ। इस लिस्ट में दूसरा नाम है बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त का। संजय दत्त की 2 पत्नियों से पहले भी वह 2008 में अपनी वर्तमान महिला प्रेम मान्यता से शादी के बंधन में बंध गए थे। संजू बाबा की पहली पत्नी ऋचा शर्मा थी, जो 1996 में मस्तिष्क ट्यूमर के कारण निधन हो गया था। 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी की, एक मॉडल है जिसे उन्होंने 2005 में तलाक दिया था। वह वर्तमान में मान्यता से शादी कर चुके हैं और उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मॉडल एक्टर करण सिंह ग्रोवर, उन्होंने पहली शादी 2008 में टेलीविजन अभिनेत्री श्रद्धा निगम से की, जिनसे शादी के 10 महीने के भीतर ही उनका तलाक हो गया। करण की दूसरी शादी उनके सीरियल दिल मिल गए की सह कलाकार जेनिफर विंगेट के साथ हुई थी। अप्रैल 2012 में दोनों ने शादी कर ली और 2014 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने 2016 में विपाशा बासु के साथ तीसरी शादी कर ली। पूरा बॉलीवुड इस क्यूट जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए आया था। हमें उम्मीद है कि करण कम से कम तीसरी बार शादी में भाग्यशाली रहे। इस लिस्ट में चौथा नाम है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी। कबीर बेदी ने 3 बार नहीं बल्कि 4 बार शादी की। उनकी पहली शादी बंगाली नतर की प्रतिमा बेदी के साथ 1959 मई में हुई थी। 1974 में अलग हो गए। कबीर बेदी की दूसरी शादी ब्रिटिश मूल के फैशन डिजाइनर सुजैन हमफ्रेस के साथ हुई थी, जिस जोड़े के बाद में तलाक हो गया और फिर उन्होंने 90 के दशक में टीवी प्रस्तोता निक्की से शादी कर ली और ये शादी भी लंबे समय तक नहीं चली। उनकी चौथी शादी आखिरकार 71 साल की उम्र में परवीन दुसांझ के साथ हुई। इस लिस्ट में आखिरी नाम है प्लेबैक सिंगर, जो कि कई लोगों के लिए प्रेरणा है, अदनान सामी, जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत हिट सॉन्ग्स दिए हैं। उन्होंने 3 शादियां की हैं। अदनान का पहला विवाह अभिनेत्री जेवा विक्तियार के साथ हुआ था, जिसे उन्होंने 1993 में शादी की थी। साथ में उनका एक बेटा था, जिसका नाम उन्होंने अजान सामी खान रखा था। उसके बाद उन्होंने दुबई की रहने वाली लड़की सबा गलादरी से शादी कर ली और उनकी शादी भी ज्यादा समय नहीं चली, 2001 से 2004 तक ही चली। और उनकी तीसरी और वर्तमान शादी 2010 में एक अफगान मूल की जर्मन लड़की रोया फरियाबी के साथ हुई। उनकी एक बेटी मदीना भी है। अगली बार फिर लौटेंगे बॉलीवुड की कुछ दिलचस्प बातों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।